और अभी अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से 7,000 लोग मर चुके हैं, ये दावा है हमास का गाजा में, 7,000। वैसे हमास के आतंकी कितने बुजदिल और डरपोक हैं ये तो खुद हमास के आतंकी बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। वो बोलेगा, हमास के राज खोलेगा। फिलिस्तीनियों के पीछे छिपा हमास, बेगुनाहों को बलि का बकरा बना रहा हमास। कुछ सुना आपने कि आवाज गाजा के एक फिलिस्तीनी नागरिक की है जो इस फोन कॉल पर यह बता रहा है कि हमास के आतंकी कैसे बेगुनाह फिलिस्तीनियों को वॉर जोन से किसी महफूज जगह जाने से रोक रहे हैं। दरअसल इस ऑडियो को इसराइल ने जारी कर यह दावा किया है कि उसके सेना के अधिकारियों ने जब आम फिलिस्तीनी नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए कहा तो उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हमास के आतंकी अपनी जान बचाने के लिए कैसे आम नागरिकों को गाजा से जाने नहीं दे रहे हैं। आइए अब आपको ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सिलसिलेवार तरीके से सुनवाते हैं। أنا عشان أملك وسلام تكبيبي تنزل ضروري لتجاه حان يونس. مين؟ لتجاه حان يونس ضروري. أنا بديش تخاطر حالك فمن شانك بدي تنزل لتجاه الجنوب لتجاه حان يونس. نفكر كل الطرق طيب. يا عمي محل ما أنت موجود فيه أيوه. سكر. أنت لازم وين سكر؟ مين سكر؟ مين سكر الطريق؟ حماس؟ مين؟ مين؟ إيش؟ ايوه صحيح. وين هم سكروا الطريق؟ عن شارع صلاح الدين. صلاح الدين؟ ايوه. ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इजरायली सेना के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की यूनिट 504 के एक अधिकारी और गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक के बीच की है, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिक इस हकीकत की तस्दीक कर रहा है कि हमास के आतंकी अपनी जान बचाने के लिए गाजा के आम नागरिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। और जब गाजा के आम नागरिक गाजा से निकलने की कोशिश करते हैं तो हमास आतंकी उन पर गोलियां चलाने से भी गुरेज नहीं करते।